हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के अपने परिवार YT क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, मैथ में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्रमचय और संचय। क्रमचय हम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे, हम लोग संचय पढ़ रहे थे। संचय की दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे हमारा लिखा है यदि, क्वेश्चन नंबर पहला, यदि 15 CR बराबर 15 CR-3 हो तो RC5 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था एक दो क्वेश्चन, आज भी देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो क्या सबसे पहले करेंगे, यहाँ तो R का मान दिया नहीं है तो हम लोग इससे R का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी, NCR बराबर, इसको क्या लिखते हैं, NCn-R, ये लिख सकते हैं ना, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। चलिए इसको भी ऐसे लिखते हैं, 15 CR को क्या लिखें, 15-R कर लेते हैं, एक ही साइड करते हैं, दूसरी साइड नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ये भी देखिए ऊपर बराबर तो नीचे बराबर कर देंगे, 15-R बराबर R-3। R को एक साइड लाएंगे और संख्या को एक साइड कर देते हैं, तो -R, इसको R को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस इस साइड प्लस हो, 2R हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस का इस साइड आएगा, प्लस का 15 3 18 हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, काट दीजिए, आर बराबर 9 आ गया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब आर का मान निकाल लिया तो हमको किसका मान ज्ञात करना, RC5 का मान ज्ञात करना। तो आर का वैल्यू कितनी निकली थी, आर की वैल्यू 9 निकली थी, 9C5 होगा। चलिए अब सूत्र लगाएं कौन वाला, NCR बराबर क्या बताया था, N·R·n -R·, यही बताया था ना पहले सूत्र। चलिए इसको इसको सूत्र के हिसाब से रखते हैं, एन की वैल्यू कितनी दी है, 9·, तो 9· हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी, 5, तो 5·, और 9-5·, यही होगा ना। सॉल्व करते हैं इसको, 9··5·, इंटू 9 में से 5 गई, 4·, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सॉल्व करते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, देखिए नीचे मिल गया 5, तो यहीं फैक्टोरियल लगा देंगे, 5·, ये हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, 4, 3, 2, 1, ये बताया था फैक्टोरियल कब कैंसिल होगा, जब लास्ट में 1 आ जाए या ऊपर या नीचे संख्या मिल जाए, तो वहीं पर फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 2 6, ये देखिए 9 7 63 हो, 9 × 7 × 2 इतना बचा ना, 9 7 63, 63 2 126, ये हमारा हो गया आंसर। नोट करिए जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को लिखा हुआ है, 15 CX बराबर 15 CY, और क्या बोला, एक्स बराबर, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एक्स बराबर वाई नहीं है, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं इस साइड कुछ हो सकता है, तो अपनी वही थ्योरम लगाते हैं, NCR बराबर NCn-R, एक साइड ही लगाई जाती है ये आपको पता है, तो एक साइड इस साइड लगा देते हैं, 15 C 15-X बराबर 15 CY, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर बराबर नीचे बराबर कर देते हैं, बराबर वाई हो जाएगा, एक्स को इस साइड ले जाते हैं, 15 बराबर X प्लस वाई, क्या पूछा था ना उसने, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। नोट करिए जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे लिखा हुआ है, यदि NC10 इक्वल टू NC15, तो 27 CN का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 27 N का मान ज्ञात कीजिए। अपनी इस वही थ्योरम लगाते हैं, NCn-10 हो गया, बताइए NC15 हो गया, ऊपर बराबर थे नीचे बराबर करके n की वैल्यू निकालते हैं, N-10 = 15, ये 10 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, n की वैल्यू 25 आ गई। अब रख दीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 25, 27C 25 हो गया। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, चलिए करिए सॉल्व। कैसे करेंगे, सॉल्व
सूत्र लगाइए, एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल मतलब 27 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है मतलब 27 माइनस 5 फैक्टोरियल। चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर 27 26 25 फैक्टोरियल हो गया, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे ये 25 को 25 फैक्टोरियल रख देंगे, 27 में से 2 गया, सॉरी 27 में से 25 गया, 2 फैक्टोरियल बचे, 2 को तोड़ देते हैं, 25 से 25 कैंसिल, 2 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब बताइए 27 गुणा 13 करते हैं, 27 गुणा 13 कितना आएगा करके देखिए, 351 ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे दूसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो पूर्ति करो, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जब तक आप बताएंगे मैं दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एन सी आर बराबर दिया है डॉट 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 सी एन माइनस आर, आपको बताना है यहाँ डॉट पे क्या भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, दूसरा बोल रहा है एन सी एन इक्वल टू डॉट फैक्टोरियल एन, ऊपर बताना क्या भरा जाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एन सी टू इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। बताइए अब जल्दी से, तीन क्वेश्चन ये दिए हैं, बताइए क्या भरा जाएगा। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, उतनी देर से यही थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या होगा, होता है एन सी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं, तो इस डॉट की जगह क्या भर सकते हैं हम लोग, एन भर देंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखिए क्या लिखा, एन सी एन इसको क्या कर सकते हैं, एन सी एन का मतलब इसकी वैल्यू एक आती है ना, कैसे आती है ये आपको पता होगा। इसको अगर तोड़ेंगे क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा नीचे, 1/0 फैक्टोरियल बचा, 0 फैक्टोरियल का मान एक होता तो एक आ गई वैल्यू। तो यहाँ हम क्या मान रख सकते हैं कि इसका मान एक हो जाए, जब एन फैक्टोरियल रखेंगे तभी तो इसका मान एक आएगा, तो यहाँ पर डॉट की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल, ये नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए ये तो सिंपल है, ये तो अब भी बता देंगे क्या करेंगे इसको, सीधा ही सीधा क्या करेंगे, एन सी आर का सूत्र खोल दें, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको इतना ही कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं दो तीन क्वेश्चन सत्ता सत्ता वाले दिए हैं, ट्रू फॉल्स वाले, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं ये भी जल्दी से। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बताएं कौन कौन से सत्य हैं कौन असत्य हैं। जैसे पहला दिया है जीरो सी जीरो इक्वल टू कि जीरो, ये बताइए सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य आप बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया सी टू सी वन इक्वल टू वन सी टू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बताइए। तीसरा बोल रहा है सिक्स सी फोर इक्वल टू सिक्स सी टू, बताइए ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा, जब देखिए जब जीरो एन और आर की वैल्यू एन बराबर आर होता है उसका मान कितना आता, एक आता, उतनी देर हम लोग यही पढ़ रहे हैं। देखिए ये बोला था ना एन सी एन आता, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसका मतलब इसकी वैल्यू एक आएगी थी, ये तो जीरो दिया, इसका मतलब ये हो गया अपना फॉल्स, गलत हो गया। टू सी वन इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा, टू फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इन टू, दो में से एक जाएगी वन फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर कितना बचा दो आएगा, इसका देखते हैं सॉल्व करते हैं, वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू, जब एक से दो जाएगा तो माइनस एक, ये तो बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। इसको देख लेते हैं अब हम लोग लास्ट वाले को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल, और छः में से चार जाएगी तो दो फैक्टोरियल आ जाएगा, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको तोड़ो, छः पाँच इंटू चार फैक्टोरियल बटे टू इंटू वन इंटू फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल, तीन दोनों छः मतलब तीन आ गया, तीन बचे पंद्रह, यहाँ पंद्रह आ रहा, एल एच एस में कितना आया, एल एच एस में पंद्रह आ गया। अब आर एच एस को हम देख लेते हैं कितना दिया, छः सी टू मतलब सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू, छः में से दो जाएगी चार फैक्टोरियल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी तोड़ लेते हैं हम लोग, कितना करेंगे छः इंटू पाँच इंटू चार फैक्टोरियल बटे दो इंटू चार फैक्टोरियल, देखिए ये दोनों सेम ही आ रहे, तीन बचे पंद्रह मतलब ये हमारा हो जाएगा सत्तर।
पहला असत, दूसरा असत, तीसरा हमारा सत हो जाएगा। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे दिया क्वेश्चन हमारा 13 खिलाड़ियों में, 13 खिलाड़ियों क्या बोल रहा है, 13 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं, कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं। क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हो, 13 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। मतलब क्या एन की वैल्यू कितनी थी, टोटल खिलाड़ी कितने हैं 13, उनमें से हमको कितने लेने, 11। मतलब आर की वैल्यू कितनी दे दी, 11, तो हम लोग सीधा लगा देंगे 13C11। मतलब क्या बोला, 13 में से हमको कितने लेने, 11 लेने। याद रखिएगा ये टोटल होते हैं, ये कितने चॉइस होते हैं वो होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लिए, 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, 13 माइनस 11 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं, तोड़ते हैं, 13 12 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 11 11 लिखा रहे हैं, देखिए 13 में से 11 गए, 2 हो जाएगा, 2 को तोड़ देते हैं ऐसे, ये कट गया, 6 दूनी 12, 13 6 78 आ गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे बोला था 13 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी, मतलब 13 हमारे टोटल चॉइस हमारे पास कितनी, 11। तो 13 में से 11 ले लिए हमने, अब बाकी सूत्र के हिसाब से रखते चले आए। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कितने कितने भिन्न प्रकार से, भिन्न प्रकार से चार व्यक्तियों को 3 रिक्त कुर्सियों पर बैठाया जा सकता, पर बैठाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार फिर से अच्छे से बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा, कितने भिन्न प्रकार से चार व्यक्ति, मतलब टोटल कितने हैं 4, एन की वैल्यू 4 हो गई, 4 व्यक्ति में 3 स्थान कितने हमारे पास, आर का मतलब 3, कितने स्थान है 3, मतलब 4 में से 3 स्थान पर बैठाना, तो हम लिख देंगे 4C3। इतना समझ में आया, अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा, 1 फैक्टोरियल बचा, 4 को तोड़ते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, आंसर हमारा आ गया 4। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे लिखा हुआ है, 6 व्यक्ति 6 व्यक्ति, दो रिक्त कुर्सियों पर कितने कितने भिन्न प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे पिछली क्वेश्चन 2 करवाया मैंने, वैसे ही दिया। क्या बोला, 6 व्यक्ति, मतलब टोटल हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 6, कितनी चॉइस कितनी हमारे पास, सिर्फ 2 कुर्सियाँ हैं, 2 चॉइस है, मतलब 2 स्थानों पर बैठा, मतलब 2, आर का मान 2 हो जाएगा। टोटल 6 में से कितने लेने हैं, 2 हमारे पास चॉइस है, यही वैल्यू रख देंगे, सूत्र खोलिए, 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 या 4 फैक्टोरियल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल बना रहे, ये कैंसिल, 2 3 6 कट जाएगा, 15 आया हमारा आंसर। नोट करिए, चलिए नोट करिए जल्दी से, नोट कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग फिर मिल करेंगे कल, हम लोग कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्या थ्योरम थी किसको कैसे सिद्ध करते हैं, कल मिलते हैं। आज देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये पढ़िए पहले ध्यान से। एक वृत्त की परिधि, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिधि पर 6 बिंदु हैं, कितने बिंदु बोले, 6 बिंदु हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्या बोल रहा है, इनमें होकर, क्या बोला, इनमें होकर कितनी कितनी सरल रेखाएं
जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। अब देखिए क्या बोला, एक वृत्त की परिधि पर 6 बिंदु, मतलब टोटल कितने बिंदु, एन का मान तो 6 आ गया। अब देखिए आर का मान कहाँ, इनमें होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब आर का मान हम लोग यहाँ से मिलेगा कैसे, जैसे ये बोला क्या वृत्त की परिधि, वृत्त कैसा होता, हमारा गोल होता ये है वृत्त, क्या बोला इसने 6 बिंदु हैं, 1 बिंदु 2 3 4 5 6 बिंदु है, समझ गए ना आप। अब इसने क्या कहा कि कितनी सरल रेखाएं खींची, मतलब जब सरल रेखा का मतलब क्या, एक ऐसी सीधी रेखा ही तो होती है सीधी रेखा, तो ये देखिए जब एक सरल रेखा खींचेंगे तो हम लोगों को कितनों बिंदु को बिंदु लेने होंगे, 1 बिंदु 2 बिंदु, देखिए 2 बिंदु लेने, जैसे अब यहाँ से नहीं आपको खींचना, यहाँ से खींच लेते हैं हम लोग, यहाँ से खींचेंगे तब भी देखिए 1 या 2 बिंदु, मतलब 6 में से हम लोगों को कितने बिंदु लेने हैं, 6 बिंदु में से 2 बिंदु लेकर एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोगों को आर का मान भी मिल गया, 6 का मान मिल गया, सॉरी एन का मान। एक बार फिर से समझ लेते हैं ना, क्या बोला एक वृत्त की परिधि पर 6 बिंदु, हम लोग 6 बिंदु बना दिए वृत्त की परिधि पर, टोटल वैल्यू कितनी दी है एन का, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बिंदु है। लेकिन उसने क्या कहा, इससे होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, सरल रेखा तभी खींची जा सकती है जब इससे 2 बिंदु मिलाए जाएंगे आमने सामने। अब ऐसे सरल रेखा खींच नहीं सकती ना, कि ऐसे खींच दी जाए एक इसको यहाँ से लेकर यहाँ से, ऐसे तिरछा खींचेगी नहीं ना टोटल, तो इसका मतलब क्या है सरल रेखा कितनी खींची जा सकती है हम लोग, आर का मान जब सरल रेखा खींची कम से कम 2 बिंदु लिए जाएंगे, तो 2 बिंदु आर का मान 2 ले लिया, 6 में से 2 चॉइस है हमारे पास, तोड़ दिए इसको 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कैसे, क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 कैसे आया 6 में से 4 चला गया, 4 फैक्टोरियल आ गया, तोड़िए 6 5 4 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 3 6 आ गया, मतलब कितना आया 3 गुणा 5, इसका मान 15। ये नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, जब तक बने रहिए अपने YT क्लासेस सर, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने चार कम से कम 4 दोस्तों के पास शेयर करिए, और उनसे बोलिए 4 दोस्तों के पास शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करिए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, बने रहिए अपने YT क्लासेस।